अगर आप दिल्ली से उदयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप दिल्ली से उदयपुर कैसे जा सकते हो एंड सिर्फ 9 घंटे में आप अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट कर सकते हो, रोड कंडीशंस क्या है, टोल कितना है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। गाइस 108 रुपए का पेट्रोल है यार यहाँ पे राजस्थान में। भैया कह रहे हैं वडोदरा वाला भी जो एक्सप्रेस वे वो यहीं तक कह रहा है भैया, बस इसके आगे नहीं खुला हुआ, यहीं तक ये पैच खुला हुआ है। तो चलो अब यहाँ से जा रहे हैं हम उदयपुर। तो गाइस वडोदरा वाला जो नया एक्सप्रेस वे है वो आपको पूरा दिखा दिया है, अब यहाँ से जो रास्ता है वो हम आपको लेके जाने वाले हैं टूवर्ड्स उदयपुर। तो हम निकले थे 12:15 के आसपास, हमने चालू किया था गूगल मैप, हमें दिखा रहा था पहले 1 बजे, फिर 12 बजे, करते कराते अब 10 बजे दिखा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये लगाओ, पहले मैंने भी बीच में आपको ब्लॉग में बोला है कि नहीं नहीं यार नहीं पहुंच सकते, झूठ है, 12 घंटे लगेंगे। तो गाइज ऑलमोस्ट हम 10 घंटे से पहले ही यार 10 घंटे टचिंग में पहुंच रहे हैं यार। हाय गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे आप सारे, आई होप द फैमिली इज डूइंग गुड। मैं समय आनंद करने आया हूँ दिल से दिल की बात, लेट्स गो फॉर दिस वर्चुअल जर्नी साथ साथ। गाइज आप बोलोगे आधी रात को ये मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपने सही समझा, आप पीछे देख के समझ ही गए होंगे, हम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो लेटेस्ट स्ट्रेच खुला है वडोदरा तक, पूरा का पूरा कवर करते हैं, आपको सारी डिटेल दिखाएंगे एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं उदयपुर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, नाइट जर्नी पे लिखने हैं मैं और मम्मी, बाकी रोड ट्रिप चल रहा है ये, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो चलो लेट्स गो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं साहिबे की। बाकी गाइस मेरे साथ आई हुई है मेरी मम्मी, हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग पीपल, लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे उदयपुर, आप भी चलो हमारे साथ एंजॉय करते हैं जर्नी। यो लेट्स गो। सो दोस्तों चलो चले, हम जा रहे हैं अपनी हेक्टर में, आपको पूरी की पूरी डिटेल देंगे कितने किलोमीटर्स हम गए, कितने किलोमीटर्स कवर किए, क्या एवरेज दी गाड़ी ने, कितना टोल भी किया, सारी की सारी डिटेल। तो ये नई सीरीज में आपको काफी मजा आने वाला है। सो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं अपने न्यू ट्रिप के लिए, रास्ता तो अभी हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं बट हम निकल चुके हैं। हाय गाइस, आप बोल रहे होगे ये रात को कहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ बेटा। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं हमारे नए ट्रिप के लिए, हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं उदयपुर। सो गाइस सरप्राइज होने वाले, क्या पता हम उदयपुर के आगे भी कहीं चले जाए। मम्मी और बेटा निकल चुके हैं रोड ट्रिप पे दिवाली वीकेंड मनाने, दिवाली वीक पूरा है, पूरा 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 का पूरा। सो गाइस हम आपको लेके जा रहे हैं दिल्ली से उदयपुर, तो आपको हम सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। रात को अभी टाइम हो चुका है 12:15 एक तरीके से आप लगा लो, 12:15 बजे हम निकले हैं, पूरी आपको रोड कंडीशंस बताने वाले हैं, रास्ता बताने वाले हैं, मुंबई एक्सप्रेस वे से जाने वाले हैं एंड क्या कहते हैं रास्ते में जयपुर भी शायद हम जाएंगे एक बार ही, सोच रहे हैं अलग अलग जगह जाने का, अभी कुछ कमिट नहीं कर रहे, सब सरप्राइज है आपके लिए, हो सकता है हम कहीं बहुत दूर भी चले जाएं, तो मतलब काफी मजा आने वाला है। बाकी हाँ माउंट आबू तो अभी हमने कंफर्म किया हुआ है हम जाएंगे, है ना, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया हमने, अभी तक तो उदयपुर जा रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ पर भगवान जी हमें लेके जाते हैं, तो जहाँ वो ले जाएंगे हम चले जाएंगे। बाकी गाइस यार दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ है तो सही टाइम पे निकल गए हम, 600 के ऊपर एयर क्वालिटी, मतलब कोई आपसे मस्ती करने का मूड नहीं है कि आपको बुरा फील कराना, लेकिन हाँ हम काम के लिए निकले, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि निकल जाएंगे उदयपुर, लंबा ट्रिप, आपके लिए काफी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे। बाकी इस व्लॉग में आपको पूरा रास्ता हम दिखाने वाले हैं, कौन सा बेस्ट रास्ता है उदयपुर जाने के लिए, कितनी देर लगती है अपनी गाड़ी, कह रही है स्पीड ब्रेकर अहेड, बाकी पूरा रास्ता आपको दिखाते हैं, नाइट व्यू दिखाते हैं। वैसे कहते हैं कि 14-15 घंटे लग जाते हैं, गूगल मैप 15 घंटे दिखा रहा है, लेकिन लेट्स सी हम कितनी देर में पहुंचते हैं, ये तो सरप्राइज है आपके लिए भी हमारे लिए भी, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, आप गए हो, मैं तो इट हैज बीन माय ड्रीम डेस्टिनेशन, इतने टाइम से मैं सोचती रही हूँ कि जाना है उदयपुर, जरूर जाना है लाइफ टाइम में एक बार, और अब देखो वो मौका आ गया एंड यू नो मजा आएगा, आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू विजिट उदयपुर एंड आप सब हमारे साथ चल रहे हो हमारी जर्नी में, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। यस गाइस आप सबको हम लेकर जा रहे हैं वर्चुअली, सो गाइस सब्सक्राइब प्लीज कर देना, बिकॉज आप सारी सीरीज देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है, मम्मी बोलना सब्सक्राइब करने को, डू लाइक शेयर, मम्मी का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही आता है, वो नहीं बोलना, वीडियो तो अभी चालू है, सब्सक्राइब कीजिए, हां जी मस्ती कर रहे हैं। सो गाइस चलो आपको पूरा रास्ता वास्ता दिखाते हैं एंड बाकी हम उदयपुर के काफी अच्छे होटल्स में रुकने वाले हैं, मम्मी का लेक पैलेस में रुकने का मन था, लेक व्यू होटल, तो वहाँ भी हम जाने वाले हैं, आपको काफी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाएंगे, पूरा उदयपुर की सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। बाकी चलो वीडियो में हम आपको रास्ता दिखाते हैं। सो दोस्तों ये हम निकल चुके हैं, ये कुछ ऐसी नाइट व्यू है अपनी गाड़ी का, गोप्रो मैंने वैसे लगाया हुआ है फुटेज रास्ते की लेने के लिए। ये हम निकल चुके हैं वेस्ट दिल्ली से, हम जा रहे हैं तो हम जाएंगे टुवर्ड्स गुड़गांव एंड वहाँ से जाएंगे मुंबई एक्सप्रेस वे। तो ये देखो रात को भी यार आजकल ट्रैफिक है ना मम्मी,
दोस्तों हम अपने पहले स्टॉप पर रुक चुके हैं, मम्मी पता नहीं कौन सी चिल्लड़ चिल्लड़ कर जा रही है। नहीं मैंने कहा चेंज थोड़ी सी कैरी कर लेनी थी, मम्मी पता नहीं घर की सारी चेंज उठा के ले आई है। बाकी गाइस हम नारायणा पे हैं, अभी नारायणा से जर्नी चालू कर रहे हैं तो लेट नाइट निकल रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी चाय पी लें ताकि हल्की बहुत नींद भी ना आए। बाकी आपको पूरी पूरी डिटेल मिलेगी, कहाँ कहाँ रुक सकते हो, हर चीज, मतलब आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। क्यों ब्रो? बिल्कुल। चलो चाय पीते हैं। तो फुल मैंने अपनी गाड़ी कर, मम्मी आपकी, मम्मी अपनी चिल्लर से खेल ऑन करो। बाकी दोस्तों गाड़ी को फुल मैंने करवा लिया था, फुल टैंकी मैंने करवा ली थी। फुल टैंकी हमारी कुछ 5000 समथिंग की हुई है। पूरे रास्ते में हम आपको बताएंगे हमारी एवरेज भी क्या दे रही है गाड़ी, एंड पेट्रोल भी कितना लगने वाला है। हेक्टर में जा रहे हैं, एवरेज थोड़ी सी कम है हमारी गाड़ी की। मम्मी अपनी मम्मी चिल्लड़ से खेल रही है, रुकेंगी क्या करती है मम्मी, कोई बात नहीं। चलो मम्मी का भी टाइम पास, पता नहीं क्या खेलने जा रही है घर की चिल्लड़ से। वीडियो चालू करते करते आपको बता दिया 12:25 हो चुके हैं, एंड यहाँ नारायणा से देखते हैं कितने किलोमीटर हमें पड़ने वाला है, कितना डिस्टेंस है, तो जीरो करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है टोटल फुल टैंकी के बाद, एंड टोटल 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। बाकी ये देखो एवरेज ये गलत लिखी हुई आ रही है, ये एवरेज स्पीड लिखी हुई आ रही है, इतनी एवरेज होती तो बात ही क्या होती है। एंड बाकी 12:25 है, एंड ये हम नारायणा में हैं, चाय लेने का वेट कर रहे हैं। तो चलो चाय शाय पिए, थोड़ी एनर्जी लाए। तो ये हमारी पहली चाय नारायणा में। थैंक यू भैया। हाँ जी, थैंक यू। 60 रुपये हो गए, 60 रुपये हो गए गाइस, दो चाय सुबह सुबह। ठीक है चलो निकलते हैं चाय पी। तो हम नारायणा खड़े हैं, एंड दिखा रहे हैं सुबह 12 बजे पहुँचेंगे, ऑलमोस्ट 11.5 घंटे। तो लेट्स सी कितनी देर लगती है, रात को निकल के कोई फायदा भी है कि नहीं। देखो डेली गैंड के यहाँ पे कितनी बढ़िया लाइटिंग वगैरह लग चुकी है, बहुत ही शानदार मतलब लग रहा है ना डेली, रात को भी कितना ब्यूटीफुल लगने लग गया है। दोस्तों ये देखो यहाँ से आगे रास्ता इंडिया गेट जा रहे, लेफ्ट पे सीधा गुड़गांव जा रहे, आप समझ ही गए होंगे मोतीबाग के पास है हम। तो चलो अब सीधा आपको एक्सप्रेस वे पे मिलते हैं। देखो यहाँ से आपको रास्ता पूरा दिख जाएगा, वो देखो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है मुंबई एक्सप्रेस वे, यहाँ के लिए GoPro भी लगाया हुआ है हमने ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो हमसे। बाकी बहुत ही ज़्यादा फॉग हुई है यार, कैमरा में आज थोड़ी मतलब वैसे अभी थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन फॉग बहुत हुई हुई है यार, फॉग कह रहा हूँ, स्मॉग। गाइस कुछ करना पड़ेगा यार दिल्ली के पोल्यूशन का, ऑड इवन भी जो चालू हो रहा है, दिवाली के बाद है बताओ। तो गुड़गांव से भी एक रास्ता जाता है सीधा जयपुर के लिए जो ओल्ड वाला रास्ता है, एंड हम जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे वाले नए रास्ते से। चलो आपको वो दिखाते हैं, सीधा आपको टोल पर लेकर चलते हैं, और आपको एग्जिट भी दिखाते हैं आपको एग्जिट कहाँ से लेना पड़ेगा। सो दोस्तों आप ये देखो मुंबई एक्सप्रेस वे 26 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये हम गुड़गांव एंटर कर चुके हैं। रास्ते वगैरह देख लेना, साइन बोर्ड्स वगैरह सारे बने हुए हैं। क्यों मम्मी? हाँ जी साइन बोर्ड्स वगैरह सारे बने हुए हैं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी रास्ते अभी फिलहाल। यहाँ पे दिल्ली वाली साइड एंड गुड़गांव साइड तो सही है, लेकिन आगे देखते हैं वहाँ पे भी क्या डिटेलिंग मिलेगी या नहीं, एंड रात को जाना सेफ है भी या नहीं। वैसे तो मैंने सुना है कि वडोदरा तक खुल चुका है एक्सप्रेस वे जो है, तो देखते हैं कहाँ तक है ये एक्सप्रेस वे। एंड कहते हैं कि उदयपुर का डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो गया इस रास्ते की वजह से। बाकी ये देखो यार रास्ता कुछ ऐसा है, आपको अब दिखाते हैं सीधा एग्जिट। ये देखो ये लिखा हुआ आ गया है एग्जिट 10 है, मम्मी को याद है मम्मी एग्जिट 10 बोली जा रही थी। सो ये रहा, ये देखो यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाता है टुवर्ड्स मुंबई एक्सप्रेस वे, ये देखो पेट्रोल पम्प वगैरह भी है यहाँ पे रात को, तो ये मतलब सही है रास्ता, मतलब आपको पूरा पता चल जाएगा, साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। हाँ जी आपको तो पता था रास्ता, याद था कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ है हमको गए हुए तो। हाँ जब खुला था ना गाइस एक्सप्रेस वे हम तभी चले गए थे, नया वाला जब ये एक्सप्रेस वे खुला था तो। बाकी हाँ जी ये रहा कट, तो चलो गाइस चलते हैं आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं थोड़ा। कि देखो यहाँ से ना कट ऊपर भी जा सकते हो आप, ये आपको जयपुर ओल्ड वाले रास्ते से लेके जाएगा, एंड लेफ्ट वाला जो रास्ता है एग्जिट 10 याद रखना, जो एग्जिट 10 है दोस्तों याद रखना आपने एग्जिट 10 लेना है, बिकॉज दूसरा वाला रास्ता ले लोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। बाकी देखते हैं नीचे एक बार, मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नीचे वाले में थोड़ा कम टाइम लगेगा हमें। जो कर्टन है यहाँ से आप जिंदल आपको दिख जाएगा, जिंदल पैंथर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो अगर आप यहाँ से जा रहे हो ना जिंदल की कंपनी है पूरी यहाँ पे, तो आप ये ध्यान रखना अगर आप जा रहे हो इस रोड से ये रास्ता ले रहे हो तो। बाकी रात को वेदांता हाँ हो सकते शायद, बाकी ये देखो रात को अभी तो खाली है, तो ये बेस्ट चीज़ है यार नाइट ड्राइव की। अच्छा दोस्तों आपको ना गूगल मैप बताएगा नहीं रास्ता, तो आप याद रखना अगर आपको एक्सप्रेस वे से जाना है तो आपको डालना पड़ेगा सोना रोड, सोना रोड के थ्रू जाना, बिकॉज कोई भी एक्सप्रेस वे ना आपको लेके नहीं जाना, हमें भी
वो तो हम गए हुए थे याद है इसलिए सोना रोड, नहीं तो आपको सोना रोड से जाना पड़ेगा, हम इस अंडरपास से गए थे लास्ट टाइम। हाँ सोना पास पे, सोना पास कह रहा हूँ, देखो अंडरपास पे देखो, ये देखो यहाँ मुंबई का रास्ता लिखा हुआ है। सो ये देखो, ये लास्ट टाइम हम अंडरपास के अंदर से गए थे, ये रास्ता जा रहा है। सो गए सोना रोड याद रखना। सो दोस्तों ये देखो, ये लिखा हुआ है सोना रोड यहाँ पे, ये वाला आपने काट लेना है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ से सीधा रोड आपको एक्सप्रेस वे लेके जाएगी, बस इतना याद रखना, बस यही याद रखना कि सोना रोड आपको पकड़नी है अगर आप जाना चाहते हो एक्सप्रेस वे पे जो नया खुला है वो डोदरा तक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अब आने वाले टाइम में उदयपुर तक भी खुल जाएगा, लेकिन अभी नहीं खुला। सो लेट्स सी कहाँ तक खुला है। बाकी हाँ जी मम्मी, आर यू एंजॉयिंग? वेरी मच, नाइट ड्राइव इज वेरी वेरी नाइस, एंजॉयिंग, बहुत मजा आ रहा है। सो गाइस अभी तो रास्ता, गाइस मैं ज्यादा बोलता हूँ हर वीडियो में, आप भी बोलते हो। अच्छा चलो माय यूट्यूब फैमिली, रास्ता तो अभी खाली है, रात को निकलने हैं। थोड़ा सा एडवांटेज रात को निकलने का ये होता है कि रास्ता खाली मिल जाता है। यहाँ पे गुड़गांव में जो ट्रैफिक वैसे लगता है अगर दिन को निकलते हम, तो वो टाइम बच गया है। बाकी आप भी बताओ, आपको नाइट ड्राइव ज़्यादा पसंद है या डे? ये वैसे हमारा दूसरा व्लॉग है जो हम नाइट ड्राइव कर रहे हैं, इस एक्सप्रेस वे पे पहले आ चुके हैं हम। बाकी चलो थोड़ा आपको रास्ता दिखा दें, अब टोल पे मिलते हैं सीधा। काफी बड़ा ये भी ना सोना रोड का, ये जो इन्होंने फ्लाईओवर बनाया हुआ बहुत ही बढ़िया है ना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना है। हाँ बहुत शानदार है यार। स्पीड लिमिट जो अपनी यहाँ की है वो 100 किलोमीटर है, देख रहे आप कितना अच्छा, मतलब फ्लाईओवर बनाया हुआ है, 100 किलोमीटर की स्पीड है यार। मान गया भाई, मान गया इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली NCR के। तो दोस्तों ये देखो 1 किलोमीटर दूर है टोल बूथ यहाँ से, सही है ये पूरी सोना रोड। ये देखो ये सामने आपको लिखा हुआ आ जाएगा, अलवर भी जा रही है, नूह भी जा रही है, एंड ये देखो ये पूरा अपना एक्सप्रेस वे चालू हो जाता है यहाँ से ना, काफ़ी सही है। बाकी चलो टोल एक बार भरते हैं और आपको बताते हैं कितना प्राइस है यहाँ के टोल का। वैस ये हम पहले टोल पे पहुँच चुके हैं, घुमारू नाम है इसका भैया, यही जाएगा ना एक्सप्रेस वे के लिए, ठीक है। सो वैस पहले टोल पे पहुँच चुके हैं, टाइम है 1:15। सो लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं उदयपुर यार। बाकी अराइवल तो अभी भी वही दिखा रहा है यार, 12 बजे, मतलब 12 घंटे टोटल लंबा है, लेकिन लेट्स सी पहुंच जाएंगे यार एंजॉय करते करते, मस्ती करते करते। बाकी ये पहला टोल है, आपको प्राइस बताते हैं इसका, हो गया। सो थैंक यू भैया। सो गाइज यहाँ का जो टोल है वो 125 रुपीज़ था, सो पहला टोल पे कर दिए। बाकी चलो आगे का ये रुक के यार इंट्रो भी बनाते हैं अपनी नई सीरीज के लिए, अभी तक इंट्रो भी शूट नहीं किया। बाकी हवा बड़ी चिल्ड चल रही है ना, वेरी नाइस, मस्त चिल्ड हवा है, वाह। बाकी दोस्तों रास्ते में हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली है, हम ही पागल उदयपुर जा रहे हैं इतनी रात के लिए, ऐसे लग रहे हैं। बाकी चलो आगे बात करते हैं। तो गाइस दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे यहीं से जाता है, तो सारी डिटेल दिखाएंगे एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं उदयपुर, तो काफी मजा आने वाला है इस व्लॉग में। दोस्तों ये हमने अपनी जर्नी चालू कर ली है, देखो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है, वेलकम। सो गाइस ये देखो सिर्फ ट्रक चल रहे हैं, एक आधा ट्रक ही दिख रहा है आगे, बाकी कोई गाड़ी नहीं है यार। तो बाकी अगर आप भी इस एक्सप्रेस वे पे हो ना तो आराम से गाड़ी चलाना यार, खुला है, गाड़ी भगाने का मन करेगा लेकिन फिर भी आराम से चलाना यार, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। बाकी ये बोर्ड बना हुआ आ गया है, इस पर पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। मुंबई 1200 किलोमीटर है, बाकी फिरोजपुर 68 किलोमीटर, पलवल। चलो थोड़ा गाइस रास्ता कवर करते हैं फिर बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ खुला है खाने पीने के लिए या नहीं या क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाड़ी को देखो मैंने कर दिया क्रूज पे, आपको पता नहीं, हाँ अब दिख रहा है क्रूज पे सेट कर दिया 90 पे, 100 किलोमीटर्स की यहाँ पे स्पीड लिमिट है। तो देखो स्पीड लिखी हुई आ रही है हमारी यहाँ पे, ये चीज़ सही है, 100 के ऊपर चलाना है तो आराम से आप गाड़ी चलाना रिलैक्स करते करते। बाकी हम पहुँचेंगे 12 बजे, थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया यार, बाकी टाइम 1:26 है। चलो अब ये वाला रास्ता कवर करके आपको मिलते हैं। गाइस ये हमारा सेकंड टोल आ गया, कुछ मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर के बाद ही सेकंड टोल आ जाता है। चलो यहाँ देखते हैं क्या सीन है, क्या पे करना है, यहाँ पे कोई पर्ची वर्ची मिलती है, क्या सिस्टम है, देखते हैं। गाइस टोल बूथ पे हम पहुँच चुके हैं, देखते हैं कितना टोल है, क्या है सिस्टम, इस पता नहीं क्या हो रहा है। हम 4-5 बारी रिवर्स करवा दिए, पता नहीं कौन सा टोल चल रहा है, इनको खुद ही नहीं पता, ग्रीन लाइट वाले टोल चल नहीं रहे, हर जगह से इधर उधर करवा दिया, रिवर्स करवा रहे हैं बाकी गाड़ियों को, पता नहीं क्या चक्कर है। आई थिंक वो बस गई है वहाँ से निकलते हैं हम, तीसरी बार ये मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या है सिस्टम। हाँ यहाँ पे बंदा दिख गया है, जा रहे हैं, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया क्या मैटर है गाइस,
पूछते हैं भैया। आ गए सो गए हम गाइस, मेरे फास्टैग में इशू है, वो मैनुअली स्कैन मतलब मैनुअली स्कैन करवाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता। अब वो पर्ची लेने गए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, फास्टैग ये रहा। इसकी ना केवाईसी पढ़ने के आते हुए, चलो इसकी केवाईसी भी करवाते हैं, मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ केवाईसी करवाने के लिए। चलो लेट्स सी क्या है चक्कर। भाई सारे टोल पे खड़े हैं, टोल पे परेशान हो रहे हैं, सबके फास्टैग में दिक्कत आ रही है, बताओ यार पीछे भीड़ लगी हुई है। अब मैं भी नया फास्टैग बनवा रहा हूँ, पहले जो चल रहा था वो भी खराब हो गया, अब नया बनवाया, पता नहीं क्या चक्कर है मेरे, उसमें 2000 रुपए थे, अब उस बैलेंस का क्या होगा मेरे को पता नहीं, नया बनवा रहा हूँ अब मैं, आगे एंट्री नहीं हो रही बिना फास्टैग के, तो आप भी आओ तो ये चीज ध्यान देना यार। हमने फिर से फास्टैग बनवा लिया है, 500 रुपीज हमने यहाँ पे पे की है, उसमें हमें 200 का बैलेंस मिला है, 200 रुपए सिक्योरिटी है, पिछले वाले कार्ड के पैसे पता नहीं कहाँ गए, एंड 2000 का रिचार्ज करवा लिया हमने पता नहीं, सो 2500 पे कर चुके। बाकी चलो आई होप इस बारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यार, नहीं तो हमेशा ये टोलों पे ना बड़ी दिक्कत होती है यार हमारे साथ। बाकी गाइस ये सेकंड टोल है, तो आप भी आओगे ना अपना फास्टैग वगैरह चालू करवा के आना, बिकॉज यहाँ पे सारे लोग परेशान थे भाई, सारे के सारे। टोल पे करके हम निकल चुके हैं फाइनली, अब हमारा फास्टैग चल चुका है, लेट्स सी कब तक चलता है। बाकी ये देखो यहाँ पे सेकंड टोल के बाद ना आपको रेस्ट एरिया दिख जाता है, ये देखो सर्विस एरिया 5 किलोमीटर्स में, तो आई थिंक 50 किलोमीटर्स के बाद ये पहला सर्विस एरिया आया है, ये देखो। बाकी यहाँ पे आपको रेस्ट वगैरह लेना है, कुछ लेना है तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, खाना वाना देखते हैं कुछ मिलता है तो चक्कर लगाते हुए चलते हैं आप भी अंदर ना। पहला स्टॉप ले लिया है, पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, यहाँ पे मम्मी हेलो गुड मॉर्निंग, मम्मी तो पार्ट कर रही है तब से। गाइस 108 रुपये का पेट्रोल है यार यहाँ पे राजस्थान में, वैसे तो मेरा 1.5 पॉइंट ही कम हुआ था, लेकिन मैंने कहा फिर भी भरवा लेता हूँ, एंड यहाँ पे कार्ड पेमेंट नहीं होगी यार, सो गाइस थोड़ा कैश आप कैरी कर लेना, नहीं तो UPI चलता है, सही है। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह है, वॉल्वोज रुकी हुई है बहुत सारी, चलते हैं अंदर कुछ लेते हैं चाय वगैरह रिफ्रेशमेंट। एंड मम्मी अभी तक की कैसी ड्राइव है अभी तक कैसा? अच्छा मम्मी ने हेडफोन मेरा पार्ट कर रही है। गाइस हम 157 किलोमीटर्स आ चुके हैं, सही है, बाकी सुबह तक ही पहुँचेंगे यार 12 बजे तक मेरे को लगता है उदयपुर। 157 किलोमीटर्स अभी तक हम आए हैं, फुल करवाने के बाद 1900 का भरा है भाई, बहुत ही ज़्यादा महंगी एवरेज है भाई अपनी गाड़ी की, एवरेज कम ही दे रही है, अभी कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा थका हुआ हूँ, कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत जनता है यहाँ पर, वॉल्वोज वगैरह यहाँ पर रुकी हुई हैं, स्टॉप वगैरह लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी है, चाय लेके आओ, चाय पियोगे? चाय आपको पीनी है तो पी लो। हाँ मैं तो पी रहा हूँ, चलो गाइस चाय पीते हैं उतरते हैं। सो दोस्तों उतर चुके हैं, पहला स्टॉप ले लिए, स्टॉप एंड शॉप है इस जगह का नाम, पेट्रोल भरवा लिए, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई, 108 रुपये यार भाई, हमने तो आगे भी जाना है यार, राजस्थान में बहुत महंगा पेट्रोल है बस। बाकी चलो यार एक चाय लेते हैं, नाश्ता रंबा है तो मैंने कहा चाय पीते पीते चलते हैं यार, बाकी देखते आगे चाय वगैरह भी मिलेगा कि नहीं। हाँ अच्छा भैया ये जगह का क्या नाम है, कौन सा नाम है इसका? अनवर, अनवर में भैया उदयपुर पहुँचने और कितनी देर लगेगी यहाँ से? हाँ 8 घंटे और, चलो थैंक यू भैया। बाकी चलो यार गैस चाय वगैरह लेते हैं, भैया कह रहे 8 घंटे लगेंगे, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। भैया भैया चाय पिला दीजिए और 2 ब्रेड पकौड़ा दे दीजिए, 2 चाय 2 ब्रेड पकौड़ा और क्या मिलता है? वो पैटीज है, अच्छा मेरे को ब्रेड पकौड़ा लग रहा था, चलो 2 पैटी दे दो। सो दोस्तों पार्टी वार्टी खा ली है, मम्मी भी पार्टी खा रही है, इंजॉय कर रही है। सो गाइज अनवर से अब हम निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, 2:49 है, तो चलो यार रास्ता बहुत बचा है अभी भी यार कवर करने के लिए, तो चलो थोड़ा रास्ता कवर करते हैं, जयपुर के पास मिलते हैं आपको। इस लाइटें वगैरह देखो कितनी शानदार लगी है, कितना बढ़िया तरीके से भरा हुआ है, बाकी अभी ऑपरेशनल हो चुका है तो इसमें वॉल्वोज वगैरह भी आपको जाते हुए दिख जाएंगी, काफ़ी लोग वॉल्वो वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पर, सही है दोस्तों। ये देखो जयपुर का रास्ता ये रहा, ये देखो अगर आपको जयपुर जा रहे हैं तो आप नीचे से जा सकते हो, हम आगे तक जा रहे हैं तो जयपुर आपको अगर जा रहे हैं तो आप नीचे से राइट हो सकते हो। बाकी टाइम गाइज अभी हो चुका है 3:27 एंड हमने 238 किलोमीटर्स अभी तक कर लिए हैं, ये बना हुआ रास्ता, ये देखो आगरा एंड जयपुर के लिए नीचे से जा सकते हो, ये रहा आगरा का घाट, ठीक है गाइज सही है, काफ़ी जल्दी पहुँच गए यहाँ पे हम, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 11:40 बजे थे, 3.5 घंटे में पहुँच गए तो सही है। बाकी देखते हैं यार आगे एक कट जाता है, ये देखो पहले आप ये देखो
वडोदरा जयपुर का लिखा हुआ, तो हम वडोदरा या वाली तरफ ही जा रहे हैं। वहीं से मैंने सुना है कि कोई रास्ता कटता है उदयपुर के लिए, उदयपुर के लिए कोई कट आता है जहाँ पे रोड बंद होती है ना, वहीं से रास्ता जाता है। तो चलो देखते हैं। ये देखो ये नया वाला फेस है, ये जा रहा है वडोदरा तक, वडोदरा तक का ये रास्ता जा रहा है, ये नया वाला फेस जो खुला हुआ है काफ़ी सही है। चलो इस रास्ते में चलते हैं। बाकी यहाँ से रतम आता है 444, कोटा आता है 213 किलोमीटर। चलो चलते हैं इस रास्ते में। गाइस ये देखो आप जयपुर के आगे भी ऐसी सेम टाइप से सेम तरीके से देखो भरा हुआ है, लेकिन अभी खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, चीज़ें पता नहीं ऑपरेशनल है भी कि नहीं। बाकी वडोदरा वाला जो नया रूट खुला हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, वो पूरा कवर कर रहे हैं अब, वहीं से कहीं से रास्ता कटता है तो देखते हैं। सो गाइस देखते हैं यार रास्ता वहीं से कट रहा है। बाकी जयपुर से आगे जाते हैं उदयपुर का, मेरे ख्याल से तो यही रास्ता जो नया वाला एक्सप्रेस वे से कनेक्टिंग रास्ता है वडोदरा तक का, देखते हैं कहाँ तक का पैच है। आई थिंक बीच में कहीं डाइवर्ट हो जाता है, वहीं से रास्ते जाते हैं उदयपुर के लिए, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। बाकी 335 है अभी भी, ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर है, तो चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। यहाँ से ये देखो लाल सॉर्ट है, ये कुछ करके लाल सॉर्ट, यहाँ से हम एग्जिट करने वाले हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं लाल सॉर्ट से एग्जिट कर रहे हैं हम, एंड यहाँ से जाएंगे यार अब इस रास्ते से जाएंगे टुवर्ड्स उदयपुर। एक बार पूछ भी लेता हूँ कि क्या पता और आगे जा सकते हैं कि नहीं हम इस एक्सप्रेस वे पर। पीछे भैया से हमने टोल पे पूछा, भैया कह रहे हैं वडोदरा वाला भी जो एक्सप्रेस वे वो यहीं तक है ना भैया, बस इसके आगे नहीं खुला हुआ, यहीं तक ये पैच खुला हुआ है। तो चलो अब यहाँ से जा रहे हैं हम उदयपुर। तो गाइस वडोदरा वाला जो नया एक्सप्रेस वे है वो आपको पूरा दिखा दिया है, अब यहाँ से जो रास्ता है वो हम आपको लेके जाने वाले हैं टुवर्ड्स उदयपुर। बाकी ड्रोन शॉट्स, अभी ड्रोन फ्रोन नहीं उड़ाया गाइस, इस टाइम कुछ दिखता ही नहीं, मजा ही नहीं आता आपको, सुबह उड़ाते हैं देखते हैं ड्रोन। बाकी ये देखो यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस बैरिकेडिंग वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है देखो। एंड यहाँ से रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स उदयपुर अंदर अंदर से। तो चलो बाकी गाइस एक भी गाड़ी नहीं है रोड पे, आप देख सकते हो। तो हाईवे बहुत ही बढ़िया बना हुआ है यार, मतलब आप बहुत जल्दी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी करती है ना, जयपुर इतनी जल्दी पहुँच चुकी है, अब तो बस वेट है कि बॉम्बे भी फटाफट पहुँचे। बाकी इस रूट पे तो सिर्फ हम ही है ना, दौसा के बाद ये दौसा के बाद आगे लाल समथिंग करके जो जगह मैंने अभी आपको बताई थी मैं भूल गया नाम, तो यहाँ तक ये खुल चुका है। बाकी भाई साहब हाईवे देखो अब यहाँ से 8 घंटे हैं उदयपुर जो दिखा रहे हैं, लेकिन हम ही है, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं उदयपुर ऐसा लग रहा है। चलो बाकी आपको रास्ता दिखा दें, थोड़ा सा सुनसान हो चुका है यार, वो वाला रास्ता तो सही था लेकिन ये तो अब जंगलों के अंदर से हम जा रहे हैं, लाइट्स वगैरह तो लगी हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है जंगल के अंदर से जा रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं आगे रास्ता यार कैसा है, ये तो थोड़ा सुबह सुबह आओ ना तो बेटर है मेरे हिसाब से, है ना, अभी तो थोड़ी डेजर्टेड सा है। हाँ अभी थोड़ा डेजर्टेड है। दोस्तों गूगल मैप मैंने लगा लिया है, एंड ये देखो अभी भी यहाँ से 7:30 घंटे है ऑलमोस्ट 7:45, तो वही 12 बजे तक सुबह पहुँचेंगे। बाकी चलो देखते हैं, रोड तो ट्रक्स ही चल रहे हैं, गाड़ी वगैरह तो और कोई मेरे को नहीं दिखी इस रोड पर फिलहाल। बाकी दोस्तों देखो लाल सॉर्ट है जगह का नाम, लाल सॉर्ट, एंड यहाँ से देखो ये फ्लाईओवर लेके जाता है आपको ऊपर। इसे देखो कैसा रास्ता आ गया है, मतलब पूरा ही सुनसान, ना आपको कोई गाड़ी दिखेगी ना कोई कुछ, मैंने गोप्रो फिर भी लगाया हुआ है कि कुछ अगर कैप्चर हो, लेकिन आप ये देखो किसी बंदे का गाड़ी का पंचर वंचर या कुछ हो जाए तो वेरी अनसेफ है ना, क्या कह रहे हैं मम्मी, या पूरा रास्ता ही खाली है यार आप देखो। बाकी भोपाल का रास्ता भी यहाँ से जाता है, अजमेर के लिए भी रास्ता यहाँ से जा रहा है, तो गाइस ध्यान से आना आई थिंक दिन में आना ज़्यादा बेटर होगा, है ना, डे लाइट में। ये वाला पैच बाकी वहाँ तो इतनी लाइटें बैठी थी तो पता नहीं लगा, वहाँ तो प्रॉपर रोशनी थी, वहाँ पे तो सही था लेकिन वो भी खाली खाली था यार। बाकी दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर रात को भी आ रहे हो ना तो देखो, अब ये चीज़ तो है सुनसान है कोई नहीं है, लेकिन आप रास्ता जल्दी कवर कर सकते हो, ये है एक बस बेनिफिट रात का। चलो अब थोड़ा सा रास्ता कवर करें एंड फिर बात करते हैं गाइस। तो हमें एक आधी दिल्ली की गाड़ी भी और दिख गई है यहाँ पे रास्ते में, अभी तक हम गाइस आज भी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हमने कर दिया, आधा रास्ता आ चुके हैं। मम्मी एनर्जी है कि नहीं है कि थके? दोस्तों अभी है हमारा
399 किलोमीटर रह गए, 7 घंटे का रास्ता हो रहा है, लेकिन ठीक है अभी तक ड्राइव सही थी। आप भी आ सकते हो मेरे ख्याल से, तो रात को ही आना, बाकी अभी 7 घंटे और हैं। बीच में कोई कह रहा था सुनसान एक पैच आता है बड़ा खतरनाक, वो देखते हैं कब आएगा, आपको दिखाते हैं फिर एंड बताते हैं अपडेट, रात को आना बेटर है या दिन में। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा रात को आना बेटर है, बिकॉज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगा एंड टाइम काफ़ी बच गया। दोस्तों ये देखो रास्ता पूरा ऐसा है, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर तो मैं चला ही चुका हूँ। एंड रास्ता देखो ये कैसा है, ना कोई गाड़ी ना कोई कुछ, बहुत दूर दूर के बाद आपको कोई ट्रक दिख जाएगा, ट्रक्स ही चल रहे हैं मतलब मोस्टली ना इस टाइम पे, गाड़ियाँ कम चल रही हैं। बाकी अभी भी आप रास्ता देखो 6.5 घंटे के ऊपर है एंड 378 किलोमीटर्स का इस, अभी भी हम 317 ही आए हैं, टोल आ चुका है हमारा सामने। चलो पता करते हैं यहाँ कितना पैसे देने पड़ेंगे। टोल आ चुका है, पूछते हैं। हेलो, कोई भी टोल में बैठा ही नहीं हुआ, वाह बड़ा सही टोल था यार, ऑटोमेटिकली गाइज कोई भी बंदा नहीं बैठा हुआ। नाम मैं आपको देख के बताता हूँ यार, मेरे को नाम अभी पता नहीं है इसका क्या है, आगे किसी से पूछ के बताता हूँ, लेकिन सही था यार, जल्दी जल्दी निकल गए। लेकिन ये देखो इस रास्ते में सिर्फ आपको अंधेरा मिलेगा। हमने स्टॉप ले लिया, हम टोंक रोड पर ही है यार, अभी टोंक रोड नहीं खत्म हुआ, 7.5 घंटे यार अभी भी। बाकी चाय का ब्रेक ले लिया है, ढाबा है चाय वाय पीते हैं फिर चलते हैं। दोस्तों एक और टोल आ चुका है, टोंक रोड पार कर चुके हैं हम। ये देखो पता नहीं क्यों इतना ब्लर आपको दिख रहा है शीशे में, मेरे को समझ नहीं आया, बट ये एक और टोल आ चुका है, दिस इज द फोर्थ टोल है ना मम्मी, फोर्थ। दोस्तों टोंक रोड पार हो चुकी है, फोर्थ टोल पे आ चुके हैं, 378 किलोमीटर चल चुके हैं, 325 और जाना है, अराइवल टाइम है 11:22, मतलब ऑलमोस्ट 11:30-12 घंटे। लोग कह रहे थे 10 घंटे में, यार वो फेक न्यूज़ है गाइस, फेक। सोनवा गाइस सोनवा टोल पे आ चुके हैं, इस जगह का नाम है सोनवा टोल। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है एंड सो गाइस अब हम जंगल वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, डिस्टेंस अभी भी हमारा 263 किलोमीटर बचा हुआ है जो हमने कवर करना है। अभी तक हम 450 किलोमीटर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो ठीक है यार ठीक स्पीड है, बाकी बहुत लंबा रास्ता है यार, 3-4 बारी चाय भी पी ली है। बाकी अब थोड़ा सा रास्ता डिजर्टेड है, लेकिन हम सही टाइम पर आ गए और दिन निकल जाएगा आधे घंटे में। हाँ जी वही ये वाला रास्ता मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ यार, इस वाले में थोड़े पॉटहोल्स हैं एंड ये थोड़ा इतना साफ नहीं है, इतना क्लियर नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। ये देखो कहीं से भी गड्ढे आ जाते हैं एंड देखो पूरा जंगल के अंदर हम घूम रहे हैं इस टाइम, मतलब अकेले अगर आप आ रहे हो तो भाई साहब बड़ा ही डरावना रास्ता है वो, तो आप मस्ती मस्ती करते करते आ रहे हो लेकिन जंगल सफारी वाली फील। हाँ मम्मी सही कह रही है, जंगल सफारी वाली फील है, आप देखो कुछ नहीं दिख रहा आपको, ये देखो अगर लाइट बंद कर दो तो कुछ नहीं दिखेगा, ये तो फिर भी मेरी गाड़ी की लाइट है कुछ ऑन है, अब ये देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है, ये देखो अब देखो लेकिन दूर है यार। गाइस मैं तो सोच कर निकला था कि 10 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन दूर है, 12+ ही लगते हैं यार उदयपुर पहुंचने में ना टाइम, चाहे आप जैसे भी निकलो, लेकिन ठीक है अगर आपको रोड ट्रिप्स पसंद है लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है तो परफेक्ट है आपके लिए। एक और टोल आ चुका है हमारा, वन मोर टोल इज हियर, पूछते हैं भैया से नाम। हेलो भैया क्या नाम है टोल का, क्या नाम है टोल का? कुराडिया। सो दोस्तों कुराडिया टोल पे आ चुके हैं, चलो देखते हैं कितनी दूर है भैया उदयपुर और 280 किलोमीटर, मतलब 2-3 घंटे, हाँ 3-4 घंटे। सो दोस्तों यहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा, यहाँ पे फास्ट टैग नहीं चलता, 35 रुपीज़ फेंक ही हैं, थैंक यू भैया। चलो गाइस चले, और 5 घंटे दिखा रहा है यार अभी भी, 5 घंटे 9 मिनट, लेट्स सी, मेरे को लगता है 5 घंटे तो लगेंगे। और ये वाली रास्ता देखो आप यार, एक्सप्रेस वे इस पर कितना मज़ा आ रहा था, एंड ये थोड़ी सा ये थोड़ा पैच है जो अनडेवलप है, मतलब बस यही एक पैच मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा शेडी सा लगा, बाकी तो सही है ना। तो देख रहे हमारा मैप क्या दिखा रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक चीज़ क्या है, आई थिंक वो नदी या कोई नहर वगैरह है, कोई इंडिकेट कर रहा है,
आपको क्या लगता है मम्मी? मम्मी के डायनासोर लग रहे हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट मॉर्निंग होने वाली है, अभी और 5 घंटे हमें लगेंगे 244 किलोमीटर। बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये तब ब्लर क्यों आ रहा है। कैसे देखो सुबह का व्यू ऐसा है, और ये हमारा टोल आ गया है सामने, एक और टोल, 6 टोल है ये हमारा। चलो बाकी मॉर्निंग होने वाली है जी। आपको बड़े शॉट्स दिखा दो यार सनराइज के, डेजर्ट के अंदर। यस डेजर्ट सफारी हो रही है हमारी। तो बाकी ये आ गया है टोल, लेट्स सी क्या चार्ज है, क्या पे करना है यहाँ। हाँ जी भैया गुड मॉर्निंग। ओके हो गया है हमारा गाइस टोल पे। वाह हमारे नए वाले फास्टैग ने तो कमाल ही कर दिया है ना। यस बिल्कुल मजेदार। बाकी चलो गाइस आगे कहीं रोकते हैं एंड बढ़िया ड्रोन शॉट्स लेते हैं। दोस्तों ये देखो यार कैसी गंदी गंदी रोड है, देखो आप गड्ढे गड्ढे हैं। अब इतनी ज़्यादा ना मैंने तो मतलब मेरे शेड्स भी आ गए बाहर इतने अभी, क्योंकि हमने ड्रोन शॉट्स भी आपके लिए लेना है। अभी तक जगह ही नहीं मिली हमें, एक जगह मिली थी लेकिन हम वहाँ रुक नहीं पाए। बाकी बात करी जाए रोड कंडीशंस तो यार काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। क्या कहते हैं ब्रो रोड कंडीशंस? हाँ यार मज़ा नहीं आया यार ये वाली रोड देख कर। एंजॉय किया था वहाँ पर जो एक्सप्रेस हाईवे पे, बहुत एंजॉय गाइस। अब लेकिन एक चीज़ है कि हम सुबह निकले थे ना, रात को निकले थे ना, रात को निकलने का एडवांटेज ये हो गया कि ये गाँव है, अब गांव के लोग उठ के रोड पे आ रहे हैं तो इतना ट्रैफिक बच गया ना, नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे वेस्ट होते हैं ना। हमारा टाइम बच गया, टाइम बहुत बचा लिया हमने। दोस्तों एक और टोल आ चुका है, समझ नहीं आ रहा कितने टोल आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 7th या 8th टोल है। रुकने के लिए हमें बोल दिया है भैया ने, पता नहीं क्यों हमें आगे एक बंदे ने इशारा दे दिया है कि रुक जाओ। आई डोंट नो व्हाई हमें स्टॉप करवा दिया। क्या नाम है भैया इस टोल का? टोल का नाम क्या है? छाबड़ा। चलो थैंक यू। छाबड़ा टोल है गाइस ये कोई, यहाँ पे हमने टोल वोल भर लिया है। बाकी चलो अब तो पूरा पूरा दिन निकल चुका है गाइस, वेदर भी बढ़िया है, वेदर भी है ना, चिल हवा आ रही है, अच्छी हवा है फिलहाल तो, बहुत अच्छा है फिलहाल ठीक है। लेकिन बीच में बहुत पोल्यूशन था यार, मतलब दिल्ली वाला हाल ही है, हर दिल्ली वाला क्या, अब तो हर जगह ही पोल्यूशन है। तो बाहर उतर चुके हैं आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स लेके आ रहे हैं, आपको जगह दिखाते हैं, मजा आएगा आपको। दोस्तों आई होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे हो, बाकी ऐसी कुछ फील है इस जगह की। एंड टाइम हो गया 6:53 और आई थिंक 10:30 या 11 बजे तक पहुंच जाएंगे यार। 3 घंटे और 4 घंटे लगेंगे अभी भी यार, कुछ 200 किलोमीटर रह गए बट सही है यार। रास्ता ये वाला पैच लास्ट वाला थोड़ा उबड़ खाबड़ था बट पहले वाला रास्ता एक्सप्रेस वे एंड एवरीथिंग इट वॉज नाइस। बाकी हाँ 11 घंटे में पहुँच रहे हैं यार उदयपुर, और क्या चाहिए गाइज। तो दोस्तों पेट्रोल भरवाने के लिए रुक चुके हैं, पहले एक बार ही भरवाया था आपके सामने, पहले मैंने फुल वैसे करवाया हुआ था। हाँ जी भैया डाल दो गाइस, पेट्रोल बहुत महंगा यार, 109 रुपये का है यार। भैया कौन सी जगह है ये? सफपुरा में गाइस, और यहाँ से अभी तक मतलब ये लगा लो 509 किलोमीटर हम चले हैं, थोड़ा सा पेट्रोल है अभी गाड़ी में। शाहपुरा अच्छा गाइस शाहपुरा है, मम्मी ने अभी पढ़ा है बट ठीक है। अभी तक एक बार हम 5000 का पेट्रोल भरवा चुके हैं, एक बार 2000 का, एंड अभी फिर से फुल टंकी करवा रहे हैं। बाकी आई थिंक 2000 का पेट्रोल होगा तो मतलब ये लगा लो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, फिर भी ठीक है यार, नहीं तो 15-20 रुपये चलती है दिल्ली में। ठीक है थोड़ी एवरेज सही निकालिए क्यों रहा। बाकी गाइज बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं उदयपुर में एंड माउंट आबू में भी,
तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाकी अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, उदयपुर पूरा लेके जाएंगे आपको, और भी टोल दिखाएंगे एंड और भी चीज़ें दिखाते हैं रास्ते में। 4500 का पेट्रोल आ रहा है, 11000 के ऊपर का पेट्रोल आ चुके हैं अभी तक हम। फ्रेंड्स हमें अभी भी 5 घंटे, लेकिन कुछ पहाड़ी आ चुकी हैं, आपको दिखाते हैं मिनी उदयपुर। फ्रेंड्स लुक एट दिस पीपल, हिल स्टेशन टाइप कोई जगह आ चुकी है, वाओ। लेकिन ये अपना उदयपुर नहीं, अपना उदयपुर बहुत एंड और भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बाकी 7:09 है गाइस टाइम, मम्मी को कोई कॉपीराइट का वो नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मम्मी खाने लगा के अपना मस्त इंजॉय कर रही है। तो रास्ता चेक करो एक बार, पूरी पहाड़ी आ चुकी है, पहाड़ों पे हम चढ़ रहे हैं। सही है यार, 180 किलोमीटर पहले ये पहाड़ी पूरी आ जाती है थोड़ी सी, सही है, मेरे को काफ़ी सही लगी। बाकी अब थोड़ा सा रास्ता मतलब ट्रैफिक ट्रूफिक हो गया यार, यहाँ पे ना छोटी छोटी रोड है, ट्रैफिक थोड़ा है एंड आप देख ही रहे हो कैसी आवाज़ें आ रही हैं गाड़ी की। बाकी बीच में गांव है थोड़े यार, थोड़ी थोड़ी पहाड़ी पूड़ी बनी हुई है यहाँ पे। बाकी हाँ फील पूरी आ रही है कि राजस्थान एंटर हो चुके हैं, ऐसी फील तो है ना, पूरी राजस्थानी फील। रास्ता आप देखो काफ़ी बढ़िया हो गया, वो वाले पैच के बाद ना अब रास्ता काफ़ी बढ़िया हो गया है। अगर आप प्लान कर रहे हो उदयपुर जाने का तो इस वाले रास्ते से भी जा सकते हो। गाइस एक और टोल आ गया है हमारा, टाइम बच गए हैं 8 एंड हम ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर आ चुके हैं। सो मेरे को नहीं पता, आप ही बताओ कौन सा टूल है, मैं तो काउंट ही भूल चुका हूँ। लेकिन हाँ हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए, अब रास्ता थोड़ा सा ही बचा यार हमारा ना। बाकी एक बार एक टोल पे करते हैं यहाँ पे एंड फिर आपको बता दें क्या चार्ज है ये टोल का। बाकी यहाँ पे बैठा तो कोई नहीं है, हो गया ऑटोमेटिकली। वाह गाइस देख रहे हो फास्टैग ठीक करवा के कितना टाइम बच रहा है, आप भी करवा लेना यार फास्टैग ठीक करवा के आ रहा है, बिकॉज आई थिंक ये 9th टोल है, काफ़ी सारे टोल हैं इस रास्ते में, तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा, नहीं तो आपको डबल पे करना पड़ेगा टोल के चक्कर में। बाकी ये देखो गाइस, ये देखो आप पीछे इतनी गाड़ियाँ, यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगी हुई है, ये देखो गाइस हमें रोक लिया था यहाँ पे चेकिंग हो रही है इंटर सिटी आई थिंक जाते हो ना, यहाँ पे चीज़ें वीजे कुछ यहाँ से जाती वाती हैं, इसलिए सारी गाड़ियों को रोका है एंड सबका सामान चेक किया। हमारी गाड़ी हमारा वेलकम करती है, देख रहे हो आप, एंड हमारा बस नॉर्मल हमारा बैग वैग वैसे चेक वैक नहीं किया, मैंने कहा मैं तो ब्लॉगर हूँ ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो बस उस चक्कर में हमारा चेक नहीं किया क्योंकि मैं मम्मी के साथ था। बाकी हाँ जो लड़के वगैरह जा रहे हैं उनके सारी चीज़ें चेक हो रही हैं, किसी का कैश वैश भी रोक लिया था वहाँ पे, तो देखते हैं आप दोस्तों। सो हम निकले थे 12:15 के आसपास, हमने चालू किया था गूगल मैप, हमें दिखा रहा था पहले 1 बजे फिर 12 बजे, करते कराते अब 10 बजे दिखा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये लगाओ, पहले मैंने भी बीच में आपको ब्लॉग में बोला है कि नहीं नहीं यार नहीं पहुंच सकते झूठ है 12 घंटे लगेंगे, तो गाइज ऑलमोस्ट हम 10 घंटे से पहले ही यार 10 घंटे टचिंग में पहुँच रहे हैं यार, तो काफ़ी सही है यार, मतलब 10 घंटे में उदयपुर। बाकी आपको हमने आई गेस जल्दी बोल दी ट्रैफिक, देख रहे हो आप रोड पे, एक बार देखना गाइस, देखना यार ये चेकिंग हो गई है ना, इन्होंने ऊपर फ्लाईओवर पे जाने नहीं दिया तो इस चक्कर में नीचे है सारे, ये देखो। बाकी पहुंच जाएंगे यार जल्दी जल्दी, बाकी हमने खाया भी है कुछ नहीं है अभी, आपको वो सारी चीजें हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, लेकिन इस रास्ते में आपको काफ़ी सारे ढाबाज वगैरह मिल जाएंगे तो टेंशन मत लेना। देखना रोड कितनी गंदी है, रोड में पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, देखो एंड इस वाले सर्विस लेन से जा रही है गाड़ियाँ, मेरी बंद हो गई है यार। 617 किलोमीटर चल चुके हैं, 8:30 हो चुके हैं, बस ऑलमोस्ट और 1.5 घंटे का रास्ता है, फुल रोड पर आ चुके हैं हम, 10th टूल आ गया है आई थिंक, ये लास्ट टूल है उदयपुर का, बस और 100 किलोमीटर 100 तो नहीं, हाँ 100 के आसपास ही रह गया आई थिंक, 1.25 घंटा दिखा रहे हैं, 100 से कम ही होगा आई थिंक, 80+ कुछ किलोमीटर्स होगा, अभी आगे चेक करते हैं। बाकी ये टोल आ गया है, देखते हैं क्या प्राइस पे करना है, यहाँ पे 10वां टोल है एंड गाइज टाइम 8:45 हुआ है, तो मेरे को गूगल मैप 1 घंटा ही दिखा रहा है यार बस,
काफी सही है यार, बहुत जल्दी पहुंच गए हम, ऑलमोस्ट 9.5 घंटे में हम उदयपुर है दिल्ली से अपने घर से। दोस्तों टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं, हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। ये ऑलमोस्ट 9 घंटे ही लगा लो यार, मतलब 8 घंटे समथिंग, लेकिन पहुंच गए 9 घंटे में। यार क्या कह रहे हैं? यस, बहुत थक गए गाइस। चलो अब बाकी बातें होटल पे करते हैं। बाकी इट वाज नाइस है ना? वेरी नाइस, कंफर्टेबल ड्राइव। यस, बहुत थक गए लेकिन यार गाइस थक गए, रात भर सोए नहीं है ना, तो हम जाके सीधा सोएंगे यार। दोस्तों आ गए, वी हैव चेक्ड इन टू द होटल एंड ब्रेकफास्ट आज ही ले लिया यार हमने, जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है। आई होप आपको पूरा रास्ता अच्छा लगा हो, बाकी बहुत थक गए एंड हम 9 घंटे में पहुंच गए हैं उदयपुर, तो आप भी पहुंच सकते हो, सही था, मस्त मज़ा आया। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो सर्विस कितनी अच्छी है यार, फ्रॉम द फायर टू द वाउ, आते थैंक यू, आते सर गर्मा गर्म आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी सर्विस और कहीं नहीं मिलती यार, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो गाइस काफ़ी सारी वैरायटी है, बाकी कोल्ड कॉफ़ी आ रही है एंड ऑमलेट बोला हुआ है, मज़ेदार, ओए होए होए, थैंक यू हीरा।